नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे क्वेश्चन आर भारत। बहुत दिनों बाद वीडियो के साथ आपके सामने आ रहा हूँ, वरना आजकल लाइव ही कर रहा था। तो आज का ये मुद्दा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको मुद्दा बनाया है। किसने बनाया उस पर बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कोई नया तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। किसी भी तरह का समर्थन करना, आपके सामने डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आप जरूर वहाँ फॉलो करिए। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता होता है हिंदू राष्ट्रवादियों के सर पर बैन होने की, चैनल के रिमूव हो जाने की, हर तरह की रिपोर्ट होने की तलवार हमेशा सर पर लटकती रहती है। तो अगर आपको लगेगा कभी भविष्य में कि हमारा चैनल उड़ गया, तो आप जुड़े रहेंगे किसी ना किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो आप उस अब ज्वाइन कर सकते हैं किसी नया चैनल को। ये मुद्दा होना नहीं चाहिए, जैसा मैंने पहले बोला, लेकिन सिर्फ मुद्दा बनाया गया। कैसे मुद्दा बनाया गया? अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा बोला जाता है कि ओम के उच्चारण, आप देख सकते हैं, ओम के उच्चारण से ना तो योगा ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। मुझे नहीं पता ये खुद भी योगा करते हैं नहीं, वरना इनको पता होता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जितने भी लोग देख रहे हैं, हिंदू हो या मुसलमान, 5 सेकंड का योगा पोजिशन धारण करिए और ट्राई करिए दोनों उच्चारणों से कि आपको कम्फर्ट किस में है, आपको मीनिंगफुल क्या लग रहा है, लॉजिकल क्या लग रहा है, कौन सा उच्चारण। उससे अपने आप पता चल जाएगा कि किसके उच्चारण से किसकी शक्ति बढ़ती है या घटती है। पिछले कुछ साल में आया था सीन कि कुछ महिलाएं योगा कर रही थी, तो उनका मुस्लिम महिलाएं, उनका कहना ये था कि अगर हम संस्कृत नहीं बोल सकते या फिर हमें चैंटिंग समझ में नहीं आती या फिर संस्कृत के श्लोक नहीं बोल सकते योगा करते वक्त, तो हम अपने कुरान की आयतें पढ़ेंगे। मुस्लिम वुमेन इन वडोदरा हैव कम अप विद अ स्पेशल टाइप ऑफ योगा बाय इनकॉर्पोरेटिंग कुरानिक वर्सेस इनटू इट टू काउंटर द इस्लामिक क्रिटिक्स ऑफ द एंशिएंट प्रैक्टिस। तो उसमें बहुत अप्रिशिएट किया था, वाह बहुत सेकुलर चीजें आप योगा कर ही रही हैं, बहुत बड़ी बात है वगैरह वगैरह, उसमें बहुत हवा बनाया गया था। लेकिन इसके पीछे कोई तर्क है, कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर का जो कनेक्शन होता है मेल जोल, उससे एक चीज प्रोड्यूस होती है जिसको आप एक अच्छी फंक्शनैलिटी के रूप में, एक अच्छे मैकेनिज्म के रूप में देखते हैं। अगर जैसे हमको कंप्यूटर, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि माउस एक हार्डवेयर है जिसके अंदर जो कर्सर दिखता है वो सॉफ्टवेयर है, अगर आप यहाँ से यूज़ करोगे तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के मिलन से आप अच्छे से कंप्यूटर चला सकते हो। उस तरीके की बॉडी है, संस्कृत के मंत्र ओम का उच्चारण और आपका कॉन्सेंट्रेशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे आपको एक 100% लाभ मिलेगा योगा का। लेकिन आप उसमें भी कुछ ग्लिचेस निकालोगे, मॉडिफिकेशन करना चाहोगे, सेकुलर टंटे जोड़ना चाहोगे, सेकुलरिज्म का मिर्च मसाला लगाना चाहोगे, तो सॉरी ये पॉसिबल नहीं है कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और फिर भी किसी को ट्राई करना तो बिल्कुल ट्राई करिए और रिजल्ट मुझे कमेंट बताइएगा। अब सिंघवी साहब बोलेंगे और गांधी जी ने, सॉरी राहुल गांधी जी ने अगर ऐसा ना बोला हो नहीं सकता। इट्स योगा डे, नॉट हाइड बिहाइंड योगा डे। कौन हाइड हो रहा है, क्या हाइड किया जा रहा है, यहाँ भी पॉलिटिक्स। अगर ये भारत के कल्चर, भारत के ट्रेडिशन ग्लोबली कुछ एक्नॉलेज किया जा रहा, उसके साथ अगर ये कुछ समय भी होते बिना एजेंडा किए, तो शायद आज इनके पार्टी की और इनकी ये इमेज ना होती, ये स्थिति ना होती। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि कोरोना की सिचुएशन को हाइड किया जा रहा है, शायद रोज 52 लाख के आसपास डोजेज लगाए जा रहे हैं, आज से शायद ऐसी शुरुआत हुई है। टारगेट सरकार ये ले रही थी कि रोज 1 करोड़ डोज लगाएंगे, हाइड किसके पीछे हुआ जा रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा। माना बीच में सिचुएशन कुछ आउट ऑफ कंट्रोल थी, किस देश की नहीं थी, लेकिन क्या आप अपने कल्चर को, अपने देश को डिमीन करोगे, वो भी ऐसे इवेंट का, ऐसे बड़े दिन का फायदा उठाते हुए कि आप नजर में आ जाओ, जलील करना है तो अच्छे से करना है। तो हो सकता है ये भी आपके किसी इंटरनल उस टूल गीट का हिस्सा हो जो अभी तक जनता के सामने गलती से लीक नहीं हुई है कांग्रेसी द्वारा किसी। अब एजेंडे की बात चली रही थी, टूल गीट की बात चली रही थी, तो एनडीटीवी को कैसे छोड़ा जा सकता है, आइए NDTV ने योगा में अपना पार्टिसिपेशन कैसे दिखाया देखना चाहता हूँ। ऑन इंटरनेशनल योगा डे, फ्री योर माइंड लाइक करीना कपूर, ये NDTV का आर्टिकल है बाई प्रणीता चौबे, 21 जून 2024, 4:42 PM। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है और करीना कपूर की ये फोटो लगाई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे कुछ डाला, उस वक्त शायद कंगना रनौत, मलाइका अरोड़ा, आलिया भट्ट, अनुपम खेर, रामदेव बाबा, बहुत बड़े बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज़ ने भी बढ़िया बढ़िया योगा पोजेज, अच्छे अच्छे कोटेशन साथ डाले होंगे। लेकिन साहब को क्या मिला,
करीना कपूर का ये पोज क्या यही इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन का ये चेहरा बन सकता है? अब खुद सोचिए, मैं इसमें मैं कुछ वल्गैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंबलिज्म की बात कर रहा हूँ। क्या दिमाग में जाता है, क्या इसको देख के आपको क्या समझ में आता है, मुझे बस कमेंट में कोई बता दे कि क्या इसकी नीड थी? क्या बाकी सेलिब्रिटीज खत्म फुश, सिर्फ इनको यही दिखा? अब या तो एनडीटीवी वाले वल्गर हैं या तो दुनिया को वल्गर समझते हैं कि योगा मतलब दिस वन। अब आजकल ये नैरेटिव भी चल रहा है कि योगा तो हिंदू का है नहीं, योगा तो हिंदुज्म से निकला है नहीं, योगा तो सनातन संस्कृति का हिस्सा ही नहीं, योगा तो भारत का ही नहीं है। समझ में आ रहा है? वो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपको उस वक्त एक थ्योरी दी गई थी आर्यन इन्वेजन, फिर आ गया आर्यन माइग्रेशन, इन्वेजन नहीं हुआ था, माइग्रेट करके आए थे लोग वहाँ से आए थे। तो जो नॉर्थ इंडियंस हैं, जो पूरा हिंदू कल्चर है वो इंडिया का नहीं है, वो बाहर से आया है। असली हिंदू या असली इंडियन हिंदू नहीं है वो, साउथ इंडियन जो हिंदू नहीं, ठीक है, तभी तो कन्वर्ट करने में आसानी होगी, उनको ये यकीन दिला दिया कि हिंदू नहीं। आप लोगों की सेकुलर लोग हैं, लिबरल लोग हैं, उनके फेवरेट वेबसाइट विकिपीडिया, जो कि जाना जाता है एंटी इंडियन हिंदू के लिए भी कई बार जाना जाता है, ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जिससे वो गलत एक इमेज प्रोपोगेट कर सके, उसने, मैं ये जानबूझ के मैंने ये चुना, मैं सरकार की भी एक वेबसाइट से आपको दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा भी, मैंने जानबूझ के चुना ताकि सेकुलर लोग सेटिस्फाई हो सकें। द प्रैक्टिस ऑफ योगा हैज़ बीन टॉट टू डेट बैक टू प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशन, पॉसिबली इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 3000 BCE। ये टाइम मोस्ट प्रोबेबली वे बैक कि जब इस्लाम नामक कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में भी आई थी, 600 कुछ में आई थी शायद, 632 में। तो कोई ये नहीं कह सकता, कोई गलती से भी ये नहीं कहे कि हिंदुओं का नहीं, या तो इस्लाम का है, या तो क्रिश्चियनिटी का है, या कहाँ का फलाना ढिकाना। और न्यूयॉर्क टाइम, लिबरलों का सेकुलरों का फेवरेट न्यूयॉर्क टाइम का कहना है योगा फॉर एवरीवन, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, तमाम पोजेस बताएं, बहुत सुंदर वेब पेज है, मैंने पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा है लेकिन काफ़ी चीज़ें बताई मैंने, ब्रीफ पढ़ा, सबके कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। तो योगा फॉर एवरीवन अगर आपके लिबरल या सेकुलर पेज को भी लगता है तो हो सकता है अगर आप रीड करते होंगे उसको तो आपको भी अच्छे मैसेज मिल रहे हैं। अब चलिए सरकारी वेबसाइट पे भी दिखा देते हैं, mu.gov.in। हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ योगा वर सीन इन द प्री वैदिक पीरियड 2700 BC। समझ रहे हैं? तो यहाँ 2700 BC कहा जा रहा है, 3000-2700 अप्रॉक्सीमेटली क्लोज है, कुछ भी इसके बीच का नंबर हो सकता है, मतलब दोनों आसपास क्लोज है, मतलब कोई एक भी सही कह रहा होगा, तब भी बहुत पुरानी है योगा की एग्जिस्टेंस और भारत की जड़ों से, सनातन संस्कृति की जड़ों से, हिंदू धर्म की जड़ों से है, ठीक। अब अगर किसी कल्चर की कोई अच्छी चीज़ निकलती है जिससे दुनिया को फ़ायदा हो रहा है और वो कल्चर हमारा है, भारत का है, उसका प्रोपोगंडा करने की क्या ज़रूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई जवाब दे दे। जस्ट बिकॉज, हाँ एक रीज़न हो सकता है, जस्ट बिकॉज राहुल गांधी कर रहे हैं तो उनको पता है कि उनकी क्रिश्चियनिटी कल्चर में, जो कि राहुल विंची के क्रिश्चियनिटी कल्चर में ऐसा नहीं है, वो इटली जाते हैं तो उनको पता है कि उनके क्रिश्चियनिटी के कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है जो दुनिया को लाभकारी हो, ठीक। और वो मुसलमान या फिर वो कन्वर्टेड लोग जिनको लगता है कि सब कुछ इस्लाम से निकला है, अगर उनके पास उनके कल्चर में, अरबिक कल्चर में कुछ ऐसा नहीं जिससे दुनिया को लाभ हुआ हो, तो शायद उन्हें प्रॉब्लम होगी कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। आई अंडरस्टैंड। ट्विटर पे मुझे एक ऐसी फोटो भी मिली जिसका मतलब एक आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, साफ साफ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ऑन इंटरनेशनल योगा डे हियर इज अ रिमाइंडर दैट इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ योगा एंड योगा इज इंटरेस्टिंगली एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म। द स्केलेटन यू सी इन द पिक्चर इज ऑफ अ मैन बरीड इन पद्मासन एंड हैज बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम बालाथाल राजस्थान। ही डेट्स बैक टू 900 BC to 700 BCE। समझ में आया? फोटो भी दिख रही होगी। और आपके प्रिय सेकुलर यूनाइटेड नेशन ने भी अप्रिशिएट किया और UNGA के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, आप ये भी देख सकते हैं, वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, इनके हैंडल पे जाके वीडियो देख सकते हैं इनकी, बिल्कुल देखिए। तो इतना सब कुछ देखने के बाद अब आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये जो कुछ गिने चुने एजेंडा करने वाले लोग हैं, ये सत्य बोल रहे हैं या ये डाटा गलत बोल रहा है जो मैंने दिखाया आपको। और अगर आप समझ पा रहे हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन एजेंडा कर रहा है, कौन सच बात बता रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माना कि हम सब योगा डे को मनाने में बहुत खुशी महसूस करते हैं क्योंकि इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जा रहा, तमाम चीज़ें अच्छी हैं, पर कितने लोग एक्चुअली में करते हैं ये भी कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या किया,
मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि मैंने नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, आज मैंने नहीं किया योगा, मेरा रोज़ का रूटीन भी नहीं है, लेकिन मैं इसको रूटीन में लाना चाहता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हेल्दी लाइफ के लिए इसको अपनाइए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।